everyone, it's me, Prakshi, and you're watching Prakshi Versatile channel. कैसे हो आप सब लोग? होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है रैंडम व्लॉग है, या फिर आप बोल सकते हो वैलेंटाइंस डे व्लॉग है. हम लोग जा रहे हैं बनारस. पहले हमारा कुछ प्लान था बोटिंग वगैरह करने का. रोहित बोल रहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज देता बोटिंग वगैरह करते, बोट पूरा मैं डेकोरेट वगैरह करा देता. पर मम्मी ने बोला कि अभी मतलब इस टाइम पे जो ये टाइम चल रहा है उस टाइम पे गंगा जी में नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए. बट वी हैव सम अल्टरनेटिव प्लान. बेसिकली हम एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा कुछ फैंसी नहीं करने वाले हैं. बट फिर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए हम जा रहे हैं बनारस. थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा. तो बस यही सब आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा. एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग, तो व्लॉग को एंड तक देखना. और मैं बता देती हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ. बस मुझे बालों का देखना है क्या करना है. मैंने पहना है कुर्ती प्लाजो एंड थोड़ा सा मेकअप कर लिया है. एंड इसके साथ मैंने पहने हैं ऑक्सीडाइज ईयरिंग. अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ऑक्सीडाइज नेकलेस पहनूँ या ना पहनूँ, देखती हूँ. तो चलिए फिर बनारस जाकर ही आपसे मिलती हूँ. या वी जस्ट स्टार्टेड आर स्मॉल बाइक राइड एंड यहाँ से बनारस पहुँचने के लिए अराउंड 1 आवर लगेगा. आई एम सो एक्साइटेड. मुझे बहुत अच्छा लगता है रोहित के साथ बाइक पर कहीं जाना. एंड हल्की फुल्की सी ठंड है तो इसलिए मैंने डेनिम जैकेट पहनी है और फेस को पूरा कवर किया है जिससे कि डस्ट वगैरह ना जाए. तो बस हम लोग 1 घंटे बाद पहुँच जाएंगे बनारस. जस्ट रीच काशी विश्वनाथ टेम्पल, न्यू वाला जो टेम्पल. मेरे को दिखाने रहे हो तुम, थोड़ा शाई फील करते हो ना इसलिए. न्यू वाला टेम्पल है, यहाँ पर हम आए हैं जो कि बीएचयू में पड़ता है. पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक है एंड इवनिंग में 3 बजे से 7 बजे तक है. और हम यहाँ पहुँचे हैं 12 बजे, तो हमें दर्शन नहीं हो पाए हैं. बट हमने बाहर से जय कर ली. तुमने की जय? मैंने तो कर लिया. क्या मांगा? बस ऐसे बताते. और मेरी बिंदी भी उतर गई है. मेरे को उतना मन था बिंदी लगाने का. और मैंने, मेरे पास एक्स्ट्रा बिंदी भी नहीं, मैंने सब रख लिया. लिपस्टिक रख ली, सब रखा हुआ था. तुमने रखा नहीं बैग में? नहीं. क्यों? सब रखा हुआ है पर बिंदी ही नहीं रखी और वो ही उतर गई. बैग से आए थे इस वजह से. मैंने सोचा बाहर मिल जाएगी पर बाहर मिल ही नहीं रही. मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर इट्स ओके. चलो कोई नहीं, बाहर से किसी शॉप पे रोक कर ले लेंगे. बाहर से किसी शॉप पे रोक कर ले लेंगे. मंदिर तो बंद है. हाँ यार. 3 बजे खुलेगा, 7 बजे से 11 बजे तक और 3 बजे से रात्रि 7 बजे तक. छोटा बेबी बार बार हमारे पास आ रहा है, कुछ बोल के फिर चला जा रहा है. क्या बोल रहा है वो? कुछ दे रहा है ना. आओ आओ आओ. और यहाँ पर रोहित मेरे से लड़ाई कर रहे हैं. बोल रहे हैं कि ये वाली पिक अच्छी है. मैं बोल रही हूँ कि नहीं, इसमें मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ. हम लोगों ने वैसे बहुत सारी पिक क्लिक की है. तुमने जितने में तुम्हारी अच्छी रहती है तुम बोलते हो अच्छी है मेरी, भले कैसे भी. बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, इग्नोर कर दे रही हो फोटो में. ओहो, तुम अपना लुक दो ना. तो मैं तो दे रहा हूँ, मुझे जो अच्छी लग रही हो तुम बोल रहे हो तुम्हें नहीं पसंद आ रही है. ऐसा थोड़े होता है. देखो, किसी का पति इतना लड़ता है क्या? घर पर मैं आपके साथ अपना फुल लुक शेयर नहीं कर पाई थी, सो आई थॉट कि अभी बेस्ट टाइम है आपके साथ अपना फुल लुक शेयर करने का. बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल से. दर्शन तो हमें हो नहीं पाए हैं, बाहर से हमने जय कर ली है. और अभी देखते हैं मेरे पति देव मुझे कहाँ लेकर जाते हैं. देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ. मैंने आपको दिखाया नहीं था ना, कहाँ लेके चल रहे हो पहले ये बताओ. जहाँ तुम बोलो यार, मुझे तो पता नहीं है बनारस की गलियों का. चलो चलते हैं, घाट पे घूमते हैं पहले.
घाट पे जाएंगे, फिर शायद लंच वगैरह करने जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, लुक एट द कैंपस, कम चले। क्या हुआ चिक्की? गर्मी लग रही है ना बहुत ज्यादा, गर्मी लग रही है। घर से तो हम जैकेट वगैरह पहन के आए थे, यहाँ के सब निकाल दिया क्योंकि बहुत ज्यादा धूप हो रही है, गर्मी लग रही है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे अस्सी घाट एंड बीच में हमें पहलवान की लस्सी मिल गई, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस लस्सी है बनारस की, एंड वी बोथ वांट टू हैव इट, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए। एंड देखिए कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है ये लस्सी। अभी हम लोग आ गए हैं अस्सी घाट और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। इससे पहले हम दूसरे घाट जाते थे, क्या नाम था उसका? दशाश्वमेध घाट, पता छोले भटूरे। बहुत ज्यादा रश है पर कार वगैरह का, व्हीकल्स का। अरे डरो नहीं, कुछ नहीं होगा इस पे, ये ऐसा बना ही है। नहीं वो नहीं भाई, ये इसके लिए ही है, तुम डर क्यों रही हो? इसमें कुछ नहीं होता, ये पूरा वो लगा हुआ है, रबर का है ना, ऊपर रबर का है, नीचे पूरा खाली है, वो ऐसा बनाया ही गया है इसको। पक डर पक, इतना डर क्यों रही हो? फिर बोट में कैसे जाओगे? हाँ जाओ छोड़ दो, बहुत ही डरपोक हो तुम, बहुत ही डरपोक हो तुम। हम लोग बोटिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है, दीदी को बेटू हुआ है तो मम्मी ने बोला है कि जब तक उनके यहाँ पूजा नहीं हो जाती तब तक बोटिंग नहीं, मतलब गंगा जी में नहीं जा सकते। हाँ तो इसलिए बोटिंग नहीं कर सकते हम, तो नहीं कर रहे हैं, बस वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड ओवर हियर। अभी हम लोग बैठे हैं अस्सी घाट पर, उधर की साइड ना बहुत ज्यादा धूप थी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ पे खड़े होने का गंगा जी के पास, तो मैंने बोला थोड़ी देर बैठते हैं, चिल करते हैं, फिर लंच करेंगे और फिर इसके बाद हमें कहीं जाना है, वहाँ जाएंगे। तो चले लंच करने के लिए, अभी बहुत देर बैठ गए ना। कहाँ जा रहे हैं लंच करने के लिए? ऊपर में कैफे, ऊपर जाकर एक कैफे है पिज़्ज़ेरिया करके, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। चलो लेट्स गो। About this place, ambience and venue is really good, greenery काफ़ी है, light music चलता रहता है, and you can spend some time with your family and friends. And अगर हम बात करें food की, तो food में यहाँ पर आपको Italian food मिल जाता है, and you can also order some drink. तो drink तो हमें काफ़ी अच्छी लगी, but we have ordered some mushroom onion pizza which we don't like much, but drink काफ़ी अच्छी थी। करते हैं अभी, मैं खोलूंगा नहीं आने के बाद अभी आने के बाद खोलूंगा। अब
बारी आती है वैलेंटाइंस गिफ्ट की, तो सुबह ही मॉर्निंग में मुझे ये वाला जो बैग है रोहित ने गिफ्ट किया था, माय फेवरेट लैवी बैग। एंड थ्रू आउट द वीक मुझे छोटे छोटे जो गिफ्ट हैं वो मिलते रहे हैं। एंड ये गिफ्ट इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस होते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि गिफ्ट से ही किसी रिलेशन की वैल्यू होती है, बट कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें आपके पार्टनर आपके लिए करते हैं, इट मीन्स लॉट फॉर यू, राइट। लंच करने के बाद हम लोग जा रहे हैं रोहित की दीदी के यहाँ, इट मीन्स मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं चेतनट्स में बेकर एंड आर्ट्स की कुछ पेस्ट्रीज वगैरह लेने के लिए, बिकॉज दीदी को बेबी बॉय हुआ है, दे ब्लेस विद अ बेबी बॉय, तो उसी से मिलने में पहली बार जा रही हूँ, तो सोचा कि कुछ मीठा लेकर जाएँ। एंड लुक एट दिस क्यूट बेबी बॉय। रोहित मुझे बोल रहे थे कि तुमको तो बेबी संभालना भी नहीं आ रहा है, कैसे पकड़ते हैं वो भी नहीं आ रहा है। सच में मुझे थोड़ा डर लगता है छोटे बच्चों को पकड़ते हुए, तो बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम कैसे संभालोगी, कैसे संभालोगी बताओ। तो मैंने बोला जब होगा तो संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। बैक हम लोग घर आ चुके हैं एंड इट वॉज़ वेरी ऑसम डे। मैंने और रोहित ने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया साथ में, इतना कुछ इंजॉय नहीं किया पर हाँ पीसफुल था आज का जो डे था, हमने एक दूसरे की जो कंपनी थी वो इंजॉय की और काफ़ी अच्छा लगा आज का डे, जैसा हम चाहते थे वैसा ही रहा। एंड मीट माई पांडा, हाय बोलो सबको हाय। ये मेरा टेडी डे गिफ्ट है, क्यूट सा टेडी। रोहित को पता है मुझे किस टाइप के टैडी पसंद है, तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सॉफ्ट सुपर सॉफ्ट टैडी मिलता रहता है। एक तो ये पांडा है और एक मेरे जो बर्थडे पे मुझे दिया था सूजी, ये और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सूजी ना एक डॉग टाइप का टैडी बियर था पर बहुत क्यूट था। वो अभी मुंबई में है तो यहाँ पर तो मेरे पास कोई भी टैडी नहीं था, तो अब एक टैडी आ गया है। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपने इंजॉय किया होगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर।